गुड इवनिंग क्लास, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। सो राइट नाउ वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स 1, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर। आज हम HCF एंड LCM का आज के क्लास में हम HCF और LCM का 1 मिनट। यस यस आज के क्लास में हम HCF एंड LCM के का ये आखिरी क्लास होगा। आज हम कुछ एलसीएम पे बेस्ड हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें इस चैप्टर में मैं पहले आपको बता दूं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। फिर हमने किसी भी नंबर्स की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हो उसे हमने दो तरीके से पढ़ा। द फर्स्ट वन इज वर्टिकल अरेंजमेंट एंड सेकेंड वन इज, पहला हमने क्या देखा, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस्ड पे ही हमारा सारा HCF एंड LCM का टॉपिक है। इसके बाद ये ट्री से कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हो, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सब सारी चीजें हमने सीखा। देन वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन अबाउट द HCF। तो यहाँ पे HCF पे हमने यहाँ पे दो मेथड हमने सीखा था। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टर मेथड, मीन्स कोई भी जिस जिस नंबर की आपको HCF फाइंड करनी है उस नंबर की आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। और जो भी चीजें, जो भी कॉमन फैक्टर्स होगी, डेट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी वो क्या होगी, HCF होगी। ये सब हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है। सो अभी मैं डिटेल्स में अभी आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप नहीं समझे होंगे या आपको कोई भी कठिनाई होगी तो देन यू कैन वॉच द प्रीवियस क्लास रिकॉर्डेड वीडियो ऑन द यूट्यूब। उसके बाद हमने HCF को इस मेथड से, डिवीजन मेथड से कैसे हम HCF को फाइंड करते हैं ये हमने सीखा। जब आपका रिमाइंडर 0 0 आ जाता है उस तो वहां पे आपकी HCF क्या हो जाती है, वहां पे आप HCF फाइंड कर लेते हो। ये सब हमने काफी डिस्कस किए थे, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे। देन वी हैव स्टार्टेड डिस्कस अबाउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने आपको बताया था कि कैसे हमने 2 का टेबल लिखा और 3 का टेबल लिखा। और कैसे हमने 2, 2 और 3 की कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड किया। आज के क्लास में हम यहाँ पे आपके इस चैप्टर्स के एंड में, चैप्टर नंबर 3 के एंड में क्या दिया हुआ है, द यूज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आप बहुत सारी चीज पढ़ते होंगे। तो आपको हमेशा लगता होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में इन सारी चीजों की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे आपके बुक में एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया। मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। सो द एग्जाम्पल इज अ शॉप सेल्स अ 450 ग्राम बोतल ऑफ जैम फॉर 96 रुपीज एंड अ बिगर बोतल ऑफ द 600 ग्राम फॉर 124 रुपीज। एक दुकानदार है जो कि जैम का 450 ग्राम का एक बोतल क्या है 96 रुपीज में बेचता है, और 600 ग्राम का 124 रुपीज में ये क्या करती है, बेचती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बोतल हमें, विच बोतल इज इट मोर प्रॉफिटेबल टू बाय। इसमें से कौन सी बोतल हमें प्रॉफिटेबल होगी बाय करने में। तो ये यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पे भी, इसके अलावा भी ये आपका HCF पे बेस्ड क्वेश्चन है, LCM पे भी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं।
एक बार आप चैट बॉक्स में बता दे कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? जस्ट कंफर्म इन चैट बॉक्स. ओके ओके यस. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में बताऊंगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. 450 ग्राम की एक क्या है, जैम की बोतल है, जिसकी प्राइस क्या है, 96 रुपीज है. ओके. और एक दूसरी बोतल क्या है, वो 600 ग्राम की है, जिसकी प्राइस क्या है, 124. ओके, 124. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं, इसमें से कौन से हमें मीन सस्ता पड़ेगा. ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, छोटा वाला डब्बा है, 450 ग्राम का है, 450 ग्राम. तो इसका प्राइस क्या है, कम. तो बोलोगे कि मैं ये ले लेता हूँ, बट आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 450 ग्राम ओनली आप जैम परचेज कर पा रहे हो. बट इन द सेकेंड केस आप 124 में 600 ग्राम आप जैम परचेज करते हो. तो यहाँ पे हम कैसे इन इस क्वेश्चन को, इन तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मीन्स यहाँ पे हम HCF की मदद से हम देखते हैं कि कैसे एक पार्टिकुलर ग्राम में, जैसे आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि 1 ग्राम परचेज करने में क्या लगेगा, 96 बाय 450, और इधर 1 ग्राम परचेज में कितना लगेगा, 124 डिवाइडेड बाय 600. बट इफ यू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज, देन इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. दैट्स वाई वी विल फाइंड द HCF ऑफ 450 एंड 600. ओके. सो 450 कैन बी रिटेन एज 15 3 = 45, मीन्स 150 × 3, एंड 600 कैन बी रिटेन एज 150 × 4. सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन बिटवीन 450 एंड 600? इट इज 150. 150 इज हाईएस्ट कॉमन इन 600 एंड 450. तो यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे कि 150 ग्राम अगर मैं परचेज करूंगा, 150 ग्राम अगर हम पहले वाले केस में परचेज करूं, मीन्स यहाँ पे क्या है, 450 ग्राम का प्राइस क्या है, 96 है. ओके. द प्राइस ऑफ 450 ग्राम जैम इज 96. तो यस. यहाँ पे क्या है, 450 ग्राम की प्राइस क्या है, 96. तो 150 ग्राम की क्या होगी, 150 ग्राम की क्या होगी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या, ये क्या होगी, 96 बाई 3. ओके. मीन्स मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 मिनट. आप 450 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 150 ग्राम. इसका प्राइस क्या है, 96. ओके. आप 150 ग्राम को LHS में रखो, और ये 3 को आप RHS में भेज दो, 96 बाई 3. 3 3 = 9, 3 2 = 6. तो इस वाले केस में 150 ग्राम का प्राइस क्या आ रहा है, 32 रुपीज. 150 रुपीज का प्राइस कितना आ रहा है, 32 रुपीज. ओके. मीन्स पहला वाला केस में क्या आ रहा है, 32 रुपीज. यहाँ पे मैं केस 1 लिख देता हूँ, दिस इज केस 1. अब हम सेकेंड केस में देखेंगे कि 600 ग्राम वाला जो जैम आपने परचेज किया, तो इसमें 600 ग्राम का जो जाम आपने परचेज किया, उसकी प्राइस क्या थी, 124. सो आप इसे लिख सकते हो, 4 × 150 ग्राम, इसकी प्राइस क्या होगी, 124, बिकॉज 600 को मैंने स्प्लिट किया 4 × 150. अब 4 को आप यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये चीज शायद आपको पहले से मालूम होगा कि कैसे ये होती है. अगर आपको नहीं मालूम होगा कि कैसे 124 के नीचे में 4 आया, तो ये आप देख लीजिएगा. सो 4 3 = 12, 4 3 = 12 एंड 4 1 = 4. सो यहाँ पे
150 ग्राम की प्राइस क्या आ रही है? ₹31। 150 ग्राम की प्राइस क्या आ रही है? ₹31। मीन सेकेंड केस में क्या आ रही है? 31। तो यहाँ पे आपको कौन सा सस्ता पड़ रहा है? जब आप बड़ा वाला पैक खरीदोगे, डेट इज 600 ग्राम की जब आप पैक खरीदोगे, तो आपको 150 ग्राम के लिए, 150 ग्राम के लिए आपको यहाँ पे ₹31 देने पड़ेंगे। वाइल इफ यू परचेज 450 ग्राम ऑफ पैकेट, देन यू हैव टू पे ₹32। सो द सेकेंड केस, दैट इज 600 ग्राम फॉर ₹124 इज प्रॉफिटेबल, इज प्रॉफिटेबल। ओके, दिस इज ₹32, दिस इज ₹31। सो होप इस क्वेश्चन को आप समझ पा गए होंगे। यस 32, वेरी गुड। ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए क्या? चैट बॉक्स में आप यस लिखें अगर आप समझ पाए, अगर आप नहीं समझ पाए तो आप चैट बॉक्स में नो लिखें, सो डैट आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ओके सो ओके नो यस, हाउ टू गिव 150, यस ओके यस। हाँ तो यहाँ पे एक दो लोगों को कुछ डॉट है, तो मैं यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, तो थोड़ा सा मे बी आपको समझ में आया होगा। ओके हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर सेम हम कुछ अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो शायद आपको और भी चीजें समझ में आए। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन मिलता है तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अदरवाइज आई विल रिपीट द सेम। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा मैं डिक्टेट करता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से हम योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई थिंक माय नेटवर्क इज स्टेबल, लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ब्रेकिंग, माय नेटवर्क स्ट्रेंथ इज फुल। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? यस माय वॉइस इज क्लियर, यस यस। हाँ यहाँ पे मेरी नेटवर्क का की कोई इशू नहीं रहती है बेसिकली। ओके सो आप एक बार फिर से मीटिंग लेफ्ट होकर के रिज्वाइन होके देखिए, प्रोबेबली आई थिंक मे बी नेटवर्क इज एट योर एंड। यस चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आई एम डिक ओके सो यहाँ पे आप बाजार गए, आपने बाजार गए, आपके पास दो डब्बा है। ओके सो यहाँ पे आपके पास एक एक छोटा सा डब्बा है जिसमें क्या है, जाम भरा हुआ है, और एक क्या है, बड़ा सा डब्बा है। ओके एक छोटा सा डब्बा है और एक क्या है, बड़ा सा डब्बा है। ओके सो छोटा सा डब्बा क्या है, ये 100 एंड ये 450 ग्राम का है, ये क्या है 450 ग्राम का है, इसके वजन कितनी है 400 एंड, एक मिनट में नीचे में लिखता हूं, इसकी वजन क्या है 450 ग्राम। दूसरे वाले डब्बे की क्या वजन है, 600 ग्राम। ओके और ये 450 ग्राम इसकी प्राइस कितनी है, आपने इसे इसकी प्राइस आपको दुकानदार ने बताया कि ये ₹36, जब आप सॉरी ₹96 जब आप दोगे तो ये आप परचेज कर सकते हो, एंड द प्राइस ऑफ 600 ग्राम जेम इज ₹124। ओके ये क्या है, यहाँ पे आप ये बाजार गए, आपने जेम परचेज किया। ओके तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज प्रॉफिटेबल टू बाय। ओके इस दोनों में से कौन सी चीजें प्रॉफिटेबल होगी, तो यहाँ पे 450 ग्राम की प्राइस 96 दी गई है। अगर यहाँ पे सपोज करिए 450 के जगह पे 600 ग्राम रहता, मीन 600 ग्राम की प्राइस 96 है और 600 ग्राम की प्राइस 124 है, तो आप
आराम से कह सकते थे कि ये वाला जेम मैं परचेज करूंगा बिकॉज दिस इज प्रॉफिटेबल, ये क्या है, सस्ता है, कोई ऑफर चल रहा है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा केस नहीं है, ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 450 ग्राम की प्राइस 96 एंड 600 ग्राम की प्राइस क्या है, 124 है। तो यहाँ पे इस दोनों में कोई चीज आप क्या करोगे, कॉमन फाइंड करोगे, कोई एक चीज आप कॉमन फाइंड करोगे उसके लिए, मीन्स उसके लिए हम कॉमन प्राइस फाइंड कर, कॉमन वेट के लिए प्राइस हम फिक्स करेंगे, और जो प्राइस कम होगी वो चीज हम यहाँ पे परचेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे हम HCF पे चलते हैं, सो 450 450 कैन बी रिटेन एज 150 × 3, 600 कैन बी रिटेन एज 150 × 4, सो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 450 एंड 600 इज 150, सो HCF ऑफ 450 एंड 600 इज 150। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने HCF ही क्यों लिया, LCM हमने क्यों नहीं लिया, ओके। ये चीज आप घर पे थोड़ा सा सोचिएगा, और अगर आपको इसके बाद भी तकलीफ होगी तो आप प्रीवियस क्लासेस के आप वीडियो देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे HCF हमें क्या है, 150, सो वी विल गो टू फाइंड कि अगर अगर मैं अगर ये वाली जैम की अगर मैं 150 ग्राम परचेज करता, और इस वाले जैम की अगर मैं 150 ग्राम में परचेज करता, तो पहले वाले केस में 150 ग्राम जब आप परचेज करते तो आपको कितनी, हमने कितना फाइंड किया था, यहाँ पे 153 × 450, सो 96 / 3 डेट इज 32। यहाँ पे मैं हवा हवाई में मल्टीप्लीकेशन कर दिया क्योंकि मैंने इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एंड इन द सेकेंड केस, इन द सेकेंड केस यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे आप इसे 154 × 600, सो यू हैव टू डिवाइड 124 by 4, सो यू विल गेट एज 31। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमें यहाँ पे 32 देना पड़ रहा है, यहाँ पे 31 दे रहा है, सो वी विल गो फॉर दिस, ओके, वी विल परचेज दिस। क्यों मैं इसे परचेज करूंगा, बिकॉज दिस इज, ये क्या है, ये सस्ता पड़ रहा है, ओके। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन इज प्रॉफिटेबल, विच वन इज प्रॉफिटेबल, दैट्स वाई यू विल परचेज द जैम हैविंग 600 ग्राम प्राइस एट ₹124, ओके, यस। सो आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस किया, और अब मैं एक और क्वेश्चन देख रहा हूं कि एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, ओके, प्लीज शो द स्लाइड, ओके, यस। यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के लिए बताया, आपके बुक में जो प्रोसेस दी गई है आप उसे पढ़िएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एग्जाम्पल्स इसीलिए लिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ, और आपके बुक की जो एग्जाम्पल्स है वहाँ पे वर्ड मीन्स वहाँ पे सेंटेंस में लिखी गई है कि कैसे आप ये इसे सॉल्व करोगे, ओके। तो अगर यहाँ पे आपको चीजें में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कठिनाई आ रही होगी तो आप HCF एंड LCM का कुछ क्वेश्चंस करिए घर पे, कुछ क्वेश्चन का आप खुद से ट्राई करना कि हाउ टू फाइंड द HCF एंड LCM। यहाँ पे 450 एंड 600 का हमने जो HCF फाइंड किया है तो हमने बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड किया, ओके। आप इसे 450 600 का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यहाँ पे आप HCF फाइंड कर सकते थे। मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे, ओके, यस यस।
ओके सो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए क्या, सो डेट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप 60-70% भी इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे तो आप घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। ओके यू विल गेन मोर एंड मोर। यस, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद 100%, 90 और 90 अबव% शायद आप नहीं समझ पाओ। सो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेगा। जब आप बड़े होकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन करोगे तो भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो आई एम गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3। व्हाट इज देयर एलसीएम? आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताने का। ओके द प्रोडक्ट, दो कोई नंबर है जिसके प्रोडक्ट की दी गई, क्या दी गई है? 765 इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर एंड देयर एचसीएफ इज 3, देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। ये क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में अगर हो सके तो आप आंसर करिए। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा। इसके अलावा ये आपको प्रैक्टिस से 14, ये आपकी होमवर्क होगी। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस प्रोबेबली आपसे नहीं बनेगी वो क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से और अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तब तक हम चैप्टर नंबर 4 पे हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ट्राई करिए। यस, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। द क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 765। ओके कोई एक टू डिजिट की नंबर है एंड देयर एचसीएफ इज 3, देन यू हैव टू फाइंड द देयर एलसीएम। यस, मैं इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। यस आंसर इज 255। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 253 आपका आंसर आया। शायद आप कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए होंगे। ओके
यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, मुझे लगा शायद आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि दो कोई नंबर है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आप हमेशा के लिए याद रखोगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, ये आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद रखनी है। आप अपने नोटबुक पे ये लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब इस पे बेस्ड मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन में क्या दिया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज क्या था, 765। एंड देयर एचसीएफ इज 3, देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। ओके, तो सिंपली सा सिंपली आपको क्या करना था इस फॉर्मूले पे बेस्ड, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन है 765 एंड देयर इज एंड इट्स, इसका हमें क्या फाइंड करनी थी, एलसीएम। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ इज गिवन एज 3। ओके, व्हेन यू सॉल्व दिस देन यू विल गेट एलसीएम इज इक्वल टू 765 बाय 3, दैट इज 255। 255 थ्री जा 765। सो दिस इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ओके, तो ये चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है। आपके एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो शायद आप तकलीफ में पड़ सकते हैं, मे बी आपसे क्वेश्चन ना बने। सो यू हैव यू नीड टू रिमेम्बर दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 3, एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे अब हम चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट करूँ, आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द 9 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 14। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया हूँ, इसके अलावा आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं बनेगी वो क्वेश्चंस में इस प्रैक्टिस सेट का मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस में अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। सभी लोग प्रैक्टिस सेट 14 के सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा। अगर इफ यू विल नॉट अटेम्प्ट देन इफ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, देन प्रोबेबली आपको ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन खुद से करते हो और अगर वो गलत भी हो जाए, देन उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कोई आपको बता रहा है तो आप उस चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। ओके, तो एटलीस्ट आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, इस सारे क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। एचसीएफ एंड एलसीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज बेसिक। ओके, इसके अलावा जब आप बड़े होकर के अलग अलग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे तो ये सारी चीजें आपको काम आएगी। तो इसी नोट के साथ हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 को रैप अप करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एंगल्स। ओके, सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एंगल हम किसे कहते हैं। कैन एनी बडी टेल वॉट इज एंगल? इफ एनी बडी वॉन्ट्स टू टेल देन टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स कि एंगल से आप क्या समझते हो। मैंने जैसे एंगल बोला तो आपके दिमाग में क्या आया, जैसे मैं अगर एडिशन बोल दूं अभी तो आप क्या बोलोगे, मीन्स एडिशन का कोई भी दो अलग अलग चीजों को एक साथ करना, तो एंगल में बोला तो एंगल से आप क्या समझते हो। कैन एनी बडी टेल?
आई थिंक नोबडी वांट्स टू टेल. सो द चैप्टर नंबर 4 दैट इज एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स. सो यहाँ पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक ए बी सी एक क्या दिख रही है, यहाँ पे एक एंगल्स दिख रही है. आपने इससे पहले क्लास में पढ़े होंगे कि व्हाट इज इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे, एंगल कैसे बनती है. हमने एंगल का कैसे देखा कि एंगल को हम कैसे क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई भी 60 डिग्री की एंगल दी गई है एंड आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, मीन्स यू हैव टू बाइसेक्ट दिस एंगल, तो आपने चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सीखा कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, टू डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट. तो यहाँ पे दिस चैप्टर इज एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स. एंगल एंड पेयर, पेयर का मतलब जैसे पेयर ऑफ शूज. आप कभी एक शूज नहीं पहनते हो, एक स्लीपर नहीं पहनते हो, हमेशा एक पेयर रहता है. ओके, सो एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स इज आवर टॉपिक. सो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपके फिगर दिया गया है ए बी सी. ए बी सी इज एन एंगल, एंगल ए बी सी. सो राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड. तो इस फिगर में कौन सी एंगल आपको दिखाई गई है. मैं यहाँ पे चारों पॉइंट्स का अलग अलग समय पे आपसे आंसर पूछूंगा और आपको आंसर चैट बॉक्स में टाइप करने हैं, और मैं आपके चैट बॉक्स के आंसर चारों चारों पॉइंट के बाद में देखूंगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे आप जो इस फिगर में, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ये वाली फिगर में, कि राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड. इस फिगर में एंगल आपको कौन सी एंगल यहाँ पे बन रही है. फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में जिनको जिनको आता है वो आप आंसर टाइप करिए. कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर मैं गलत आंसर टाइप कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, मीन्स आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती होगी. तो अगर आपके आंसर गलत हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हो. ओके, तो गलती होगी तभी आप क्या करोगे, सीखोगे. सो सेकेंड पॉइंट इज राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स. यहाँ पे वर्टेक्स इस एंगल में होगा. एक्यूट एंगल, सभी लोगों ने एक्यूट एंगल बोला. यहाँ पे एक्यूट एंगल नहीं पूछा गया, यहाँ पे दूसरा चीज पूछा गया. चलिए, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स. आप इस वर्टेक्स का यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स बन रही है उसका आप चैट बॉक्स में नाम लिखें. थोड़ी सी मैं अभी आपको टाइपिंग करा रहा हूँ, फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे. राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स का आप नाम लिखिए. फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए. यस, बी इज द वर्टेक्स. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मैक्सिमम लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर करें हैं कि बी इज द वर्टेक्स. थर्ड पॉइंट इज राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म. यहाँ पे इसके आर्म्स के आपको नेम लिखने हैं. राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म्स. एंगल ए बी सी यहाँ पे आपको दिख रहा है. यहाँ पे कौन कौन से आर्म्स हैं आपको ये लिखने हैं. प्रोबेबली हमने लगभग ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है. यस, द लास्ट पॉइंट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन इट्स आर्म.
यहाँ पे आर्म्स पे पॉइंट मार्क्स किए गए हैं, तो इसका आपको नेम लिखना है। अब मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ। ए बी सी सी बी ए, रे ए बी, रे बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ओके, ए बी सी, यस यस, ठीक है। यहाँ पे कुछ आंसर्स सही आए हैं, कुछ आंसर्स गलत आए हैं, ओके। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर किए वेरी गुड, रे बी सी एंड रे ए बी इज द राइट आंसर, ओके। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। चूंकि ये चैप्टर्स आपके लिए नया चैप्टर्स है, तो मैं आपको बस ऐसे ही आप ऐसे ही पूछा कि क्या क्या यहाँ पे होने चाहिए थे। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर। जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपका सारे आंसर्स क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं, आप अपना मिला लेना कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूं। सो व्हाट इज गिवन कि जस्ट अ मिनट, ओके, यस, कुछ ऐसा था, ओके। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके, ए बी एंड सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पे एंगल कौन सी बन रही है, एंगल कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे एंगल बन रही है, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। जैसे आप सीसर्स यूज करते हो घर में, क्या होगी, कैंची होगी, कैंची कुछ ऐसा होता है। तो एंगल्स यहाँ पे कहाँ बनता है, दिस इज द एंगल, ओके। यहाँ पे इसके अलावा ये भी एंगल है, ये भी, मीन्स कॉर्नर जो होती है वो क्या है, एंगल। कॉर्नर क्या है, ये एंगल है। जैसे आप सड़क पे जा रहे होते हो, सड़क ऐसे जा रहे हो तो फिर सड़क ऐसे मुड़ती है, ओके। तो दिस कॉर्नर इज कॉल्ड द एंगल, ओके, दिस कॉर्नर इज कॉल्ड द एंगल। सो यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल लिखोगे ए बी सी, मीन्स आप कैसे आ रहे हो, ए से बी और बी से सी, ओके। ऑल्सो यू कैन राइट, ऑल्सो यू कैन राइट सी बी, सी बी एंड ए, ए बी सी और ए बी सी और सी बी ए, ओके। मीन्स इस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी और सी बी ए, बोथ आर इक्वल, ओके। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग इसे एंगल बी भी लिखते हैं, एंगल बी भी लिखते हैं। इस केस में दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट आप कोशिश करो कि तीन, मीन्स तीनों लेटर को इन्वॉल्व करके जो आप एंगल लिखते हो वो लिखो, क्योंकि जैसे कम्प्लेक्स फिगर में यहाँ पे बहुत सारी रेज आती है, ओके। तो जब यहाँ पे एंगल बी लिखते हो तो एंगल बी कहने का मतलब यहाँ पे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंड ये तीन एंगल्स यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं होते हैं कि कौन सी एंगल्स है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट ऑल थ्री लेटर्स विथ एंगल्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल। सो ए बी सी और सी बी ए इज द नेम ऑफ द एंगल्स, ओके। ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सेकेंड इज राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड थर्ड इज राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म। तो वर्टेक्स का सभी लोगों का आंसर करेक्ट था कि दिस इज द, बी इज द वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स, कोना, कॉर्नर भी इसे बोल सकते हो। तो पॉइंट बी इज द, पॉइंट बी इज द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में आपने सभी लोगों ने पॉइंट बी लिखे, तो सभी लोगों का आंसर क्या था, करेक्ट था, ओके। एंड द थर्ड इज नेम ऑफ द आर्म्स, नेम ऑफ द आर्म्स, आर्म्स का मतलब बाजू, ओके। तो जैसे आपकी आर्म्स है तो ये क्या है, आर्म्स, यहाँ से यहाँ और फिर ऐसे होती है, फिर यहाँ पे ये फिंगर्स होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, कोई भी एंगल बनता है। जब आप बॉडी बना के दिखाते हो तो कुछ इस तरीके का आपके हैंड में इस तरीके की ऐसी आकृति बनती है, ओके।
तो यहाँ पे आर्म्स कितने हो गए, यहाँ पे आर्म्स, यहाँ पे आप कॉर्नर से स्टार्ट करो, तो द फर्स्ट आर्म इज बी ए एंड सेकेंड आर्म इज बी सी, तो बी ए एंड बी सी आर द आर्म्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हो और बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो, बट आप कोशिश करो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे एंड दिस इज द वर्टेक्स। सो आप वर्टेक्स से रे की डायरेक्शन में जाओगे, तो जब आप इस रोड में जा रहे हो, इस वाले रास्ते में जा रहे हो, तो ए मिलता है, सो दिस इज द आर्म बी ए, एंड जब आप यहाँ पे ऐसे जाते हो तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बी सी, सो इट इज द बी सी। तो बी ए एंड बी सी आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल। ओके, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है या किसी एक पॉइंट से दो लाइन निकलती है, तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। सो बी ए एंड बी सी आर टू आर्म्स फॉर दिस ट्राइंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था, और यहाँ पे एक आंसर बहुत ही अच्छा आया था चैट बॉक्स में, डैट डैट रे रे ए बी एंड रे इट इज नॉट ए बी इट इज बी ए, बिकॉज बी से ए की तरफ रे जा रही है एंड द रे बी सी, सो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर। ओके, रे क्या होती है, किसी भी एक पॉइंट से जब आप किसी एक डायरेक्शन में आप एंड तक जाते हो, तो ये क्या है, दीज आर द रे लाइन सेगमेंट क्या है, अगर आपने एक पॉइंट से चलना है, स्टार्ट किया और कहीं पे जाकर के रुक गए, तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या है, किसी भी एक पॉइंट से जब आप दोनों डायरेक्शन में एंड तक जाते हो, तो ये क्या है, दिस इज द लाइन। तो आप लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों के बारे में पहले से जानते होंगे, मैंने चैप्टर नंबर 1 दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में भी मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी किया था। ओके, तो रे बी ए एंड बी सी, आप सिंपली बी ए और बी सी भी लिख सकते हो। ओके, बी ए एंड बी सी आर द आर्म्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये सारी चीजें आप ध्यान से समझिए, मैं अभी आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड द राइट द नेम ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन इट्स आर्म। तो द लास्ट पॉइंट इज, इस एंगल की जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो बाजू हैं, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट मार्क किया गया है। सो यहाँ पे ए पॉइंट मार्क किया गया और सी पॉइंट मार्क किया गया, सो द आंसर इज ए एंड सी, ए एंड सी। ओके, ए एंड सी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंगल किसे कहते हैं, आर्म्स किसे कहेंगे, वर्टेक्स क्या होगी, तो वर्टेक्स तो आप समझते हो, मैक्सिमम लोगों का आंसर भी वर्टेक्स के केस में करेक्ट था। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कुछ आपसे एंगल लिखवाता हूँ। यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे आपको जो सारी चीजें बतानी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, आर्म्स कौन कौन सी, आर्म्स यहाँ पे कौन कौन सा है। ओके, और यहाँ पे कौन सी एंगल बन रही है, ये तीन चीजें आपको बतानी है। वर्टेक्स क्या है, आर्म्स कौन कौन सी यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे एंगल कौन कौन सी बन रही है। ये चीजें समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे की कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द वर्टेक्स फॉर दिस फिगर, व्हाट आर द आर्म्स इन दिस केस एंड नेम द एंगल, यहाँ पे कौन सी एंगल बन रही है।
मैं कुछ देर वेट कर रहा हूँ, सभी लोग आप चैट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। वर्टेक्स, आर्म्स एंड एंगल। इसके बाद जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक दो और एग्जांपल करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देन वी विल स्टार्ट सम टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। दिस इज इंट्रोडक्टरी टाइप। तो मैं यहाँ पे आपका चैट बॉक्स अभी देख रहा हूँ। रे के वॉट एक्सिस, ओ वेरी गुड, हाँ एंगल इज एक्यूट। हाँ ये मैं बताता हूँ कि आपने पहले, सभी लोगों ने एंगल इज एक्यूट लिखा था, डेट इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है वो मैं बताता हूँ। आर्म्स इज एम ओ एंड एन ओ, वेरी गुड। ओ एम एंड ओ एन, वेरी गुड। आइदर यू कैन राइट एम ओ और ओ एम, बोथ आर करेक्ट, बट ट्राई टू राइट, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो कि ओ से जैसे एम की तरफ, वो एरो की डायरेक्शन है, तो ओ से एम की तरफ जाओ, मीन्स वॉर्टेक्स से आप स्टार्ट करो, डेट इज मोर बेटर। यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर आया, वॉर्टेक्स ओ, आर्म्स रे एम ओ एन ओ, वेरी गुड, एंड एंगल इज एम ओ एन, ऑल करेक्ट। वॉर्टेक्स इज ओ, बहुत बढ़िया। एंगल इज एक्यूट, आर्म्स इज एम ओ एन ओ एन, वर्टेक्स इज ओ, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत टाइपिंग किए हैं, बहुत टाइम लगा होगा आपको टाइपिंग करने में। सो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर आपका करेक्ट है, बट यहाँ पे एक चीज में एक्यूट एंगल वाला बता देता हूँ। ओके, यस, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, आप ये लिखोगे व्हेन एंगल द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज गिवन। अगर मैं कोई एक एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिखूं, ये ध्यान से समझिएगा, बिकॉज आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ओके okay. अगर मैं यहाँ पे, इफ आई एम राइटिंग 60 डिग्री, देन इन दिस केस इट विल बी एक्यूट एंगल। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो दिस इज नॉट द एक्यूट एंगल, दिस इज नॉट द एक्यूट एंगल, बिकॉज व्हाई दिस इज नॉट एक्यूट एंगल, बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नॉट गिवन, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नॉट गिवन। ओके, मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, जब तक कि मैं यहाँ पे 90 डिग्री ना लिखूं या ऐसा मैं साइन नहीं बनाऊं, तब तक आप इसे राइट एंगल नहीं बोल सकते हो। ओके मैंने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कोई भी एंगल बनाया, नहीं बनाया। ओके सो यू कांट से दैट इट इज एक्यूट एंगल जस्ट बाय सीइंग। ओके मैं सपोज ऐसे ऐसे दे दिया, ओके या कोई एंगल ऐसे दे दिया, ओके जस्ट वेट, ऐसे में कोई एंगल दे दिया। ओके आपसे मैं पूछूं कि ये एंगल क्या है? ओके, तो आप यहाँ पे यह नहीं बता सकते कि इट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। व्हाई? बिकॉज दिस इज ओनली बिकॉज दिस इज नॉट गिवन। ओके, यहाँ पे इसकी डिग्री डिग्री नहीं दी गई है कि ये कितनी डिग्री की ये एंगल है। ओके, नाइदर यू कैन फाइंड दिस एंगल, आप किसी भी मतलब फॉर्मूला लगा करके आप ना ही से फाइंड कर सकते हैं, ना ही कोई डिग्री में यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में जब मैं आपको एंगल का नाम लिखने बोलता हूँ, नो टाइम टेलिंग यू टू राइट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, दीज आर रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, बट आई एम टेलिंग यू टू राइट द नेम ऑफ द एंगल। आपको यहाँ पे क्या सीखनी है कि एंगल को का नाम मैं कैसे लिखूं। तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करो, तो मैं एम से चलना स्टार्ट किया, आप वर्टेक्स पे आओ, ओ पे आ गया, फिर आप इधर से एन पे जाओ। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आए, सबसे पहले एम आया, फिर ओ आया, फिर एन आया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एम ओ एन। ओके सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल एम ओ एन, दिस इज एंगल एम ओ एन। ओके इसी तरह जब आप एन से स्टार्ट करोगे, सपोज इस केस में आपने एन से स्टार्ट किया, और एन से स्टार्ट करके आप कहाँ पे आ गए, ओ पे आ गए,
और फिर आप यहाँ से एम पे चले गए। ओके, आप यहाँ पे एम पे आ गए, तो यहाँ पे कौन सी चीज आई सबसे पहले? एन आई देन ओ आई देन एम आई। तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज एंगल एन ओ एम। सो एन ओ एम और एम ओ एन बोथ आर इक्वल। ओके, सो आई एम राइटिंग, आई एम टेलिंग यू टू राइट द नेम ऑफ द एंगल, नॉट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ओके, यू कांट से दैट इज, इट इज एक्यूट, इट इज राइट, इट इज ऑब्ट्यूज, बिकॉज हेयर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू राइट ओनली द नेम ऑफ द एंगल। आपको एंगल की नेम कैसे लिखा जाता है ये आपको सीखना है। तो मैं यहाँ पे आपका एंगल, नेम ऑफ द एंगल, एक्यूट एंगल, हाँ तो ये एक्यूट एंगल वाला ये आप फंडा समझ गए क्या? एक्यूट एंगल नहीं लिखना है, ये आप समझ पाए सभी लोग क्या? मैं यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन दूंगा आपको एंगल का नाम लिखने के लिए। यू हैव टू टेल कि इस एंगल का क्या नाम होगा। यस, वेरी गुड। तो इसी बात पे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बनाइए कि एंड दिस पॉइंट इज ओ। ओके, सो यू सबसे पहले आप बताइए कि हाउ मेनी एंगल्स, यहाँ पे कितनी एंगल्स बन रही है। ओके, यहाँ पे कितनी एंगल्स बन रही है? यू हैव, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, 1 2 3 4, ये चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कितनी एंगल्स बन रही है? हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मिंग इन दिस फिगर? आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कि इस यहाँ पे कितनी एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद हम आपसे बोलेंगे कि सारे एंगल्स का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके चैट बॉक्स देखता हूँ, 4 4 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपने 4 बताया, तो मैं यहाँ पे आपके आंसर को मैं यहाँ पे येलो कर दिया। ओके, 4 इज द राइट, राइट है तो इसे हम ग्रीन से करते हैं। ओके, यस, तो आप यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, तो चारों एंगल का आप नेम चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन सी एंगल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, कौन कौन सी एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। मैं आपको हिंट के तौर पे एक एंगल में बताता हूँ। सो दिस इज ए ओ बी, ये क्या है? एंगल ए ओ बी। इसी तरीके से आपको बाकी एंगल भी बताने हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक एंगल बता दिया, डेट इज एंगल ए ओ बी। ओके, एंगल ए ओ बी। इसके अलावा यहाँ पे 3 और एंगल्स हैं, आपको तीनों एंगल्स का यहाँ पे चैट बॉक्स में नाम लिखने हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में फाइनली आंसर आ गए, दिस एंगल इज, इस एंगल को क्या आप लिखोगे? ए ओ बी। मैं यहाँ पे सुविधा के तौर पे लिख रहा हूँ, इस एंगल को क्या लिखोगे? बी ओ सी। ये वाले एंगल को क्या लिखोगे? सी ओ डी। यहाँ पे एंगल का साइन आएगा और यहाँ पे डी ओ ए, डी ओ ए। सो इसी के साथ मैं कुछ देर रुकता हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, जो अगर आप किसी में कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल, सबसे पहले आपको पिछले चैप्टर डेट इज एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर प्रैक्टिस सेट 14 बना के लाने हैं।
प्रैक्टिस सेट 14 के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, फिर हम यहाँ पे पेयर एंड एंगल्स ऑफ पेयर के बारे में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन, इट इज 8:55 PM। एनीबडी हैव सम क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द सेशन। बाय, गुड नाइट, थैंक यू। बाय होमवर्क सर। इज प्रैक्टिस, यस यस बाय, प्रैक्टिस सेट 14 इज योर होमवर्क। ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ की जो सबसे आखिरी की जो टॉपिक थी, दैट इज योर होमवर्क। ओके, बाय सर। यस बाय।